हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आ गई हूँ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो एंड टेंशन मत लीजिए। मैं बहुत जल्द क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आऊँगी। आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको लिखिए, ताकि मैं आंसर कर पाऊँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प। सो लास्ट वीडियो तक मैंने ये बताया था कि मुझे कॉल आ गया था कि यस आई एम सिलेक्टेड। उसके बाद क्या हुआ? जिस दिन मुझे कॉल आया उसके बाद ही मुझे ये मेल आ गया था ऑन माई मेल आईडी दैट वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक स्पेशलिस्ट बायजूस द लर्निंग ऐप एज डिस्कस्ड वी वुड लाइक टू ज्वाइन अस ऑन 18 फरवरी। 18 फरवरी मेरी ऑनबोर्डिंग डेट थी और ये वीडियो भी एक्चुअली मैं 18 फरवरी को ही बना रही हूँ। दैट्स वाई आई हैड ऑल द एक्सपीरियंस। इस मेल से लेकर आज तक का पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एज एन इनिशियल स्टेप ऑफ ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग द लिंक बाय टूडे। तो यहाँ पे पूरा अकेडमिक स्पेशलिस्ट का आपको लिंक बना दिया, लिंक प्रोवाइड किया गया है। उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आपको कौन सा टाइम स्लॉट चाहिए। मैंने पार्ट टाइम साइंस के लिए ऑप्ट किया है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए पार्ट टाइम साइंस के रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। काइंडली कम्प्लीट द अबव मेंशन रजिस्ट्रेशन यूजिंग द पर्सनल ईमेल आईडी ओनली। वही ईमेल आईडी से आपको ये अपलोड करना है जिस ईमेल आईडी से आपने अपना डेमो भेजा है, मेल्स भेजे हैं, आपको जिस ईमेल आईडी पर सब कुछ रिसीव हो रहा है। During the training period, the work timings will be as per the slots open. The duration will be from 3 weeks to 2 weeks, 3 weeks to 5 weeks. Actually, maths के लिए और साइंस के लिए टाइम डिफरेंस अलग होता है। मैथ्स के लिए टाइम बहुत कम होता है, आई गेस 14 to 15 days का होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फॉर साइंस टीचर्स 45 days तक एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज फोर्थ टू एट हमको साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ानी है, और नाइन्थ और टेंथ हमको जो भी हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है साइंस में, मे बी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई एक चूज करना है। तो इसीलिए सीबीएसई बोर्ड के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, आईसीएसई बोर्ड के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, मैथ्स को भी लेकर पढ़ाया जाएगा, फिर साइंस के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। डिटेल्स ऑफ दी ऑफर, द ऑफर लेटर विल बी रिलीज 3 to 4 days प्रायर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। वो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड इवन ऑफर लेटर आपको फिजिकल फॉर्म में, मीन्स पेपर मोड में भी मिलेगा जब आपके एसेट्स आपको मिल जाते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट ट्यूटर्स विल बी एक्सपेक्टेड टू टीच बोथ इन साइंस मैथ्स क्लासेस एज आई टोल्ड यू 4 to 8 एज द ट्रेनिंग एंड देयर एक्सपर्टीज दे माइट बी एलोकेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशंस फॉर क्लास 9 to 10। आपकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि आप 9th और 10th को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। सीटीसी फिक्स्ड मंथली पेआउट इज 25,000। इसमें इंसेंटिव्स, आपकी परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स जो पूरे ट्रेनिंग पीरियड में आपका देखा जाएगा, आपको पर्टिकुलरली अपना एक ग्रेड मेंटेन करके रखना है, अपने एक पॉइंट्स मेंटेन करके रखने हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आपको इंसेंटिव्स भी उस चीज के मिलेंगे, दैट इज योर परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। टोटल अर्निंग अप टू 33,000 पर मंथ हो सकती है। सीटीसी और सीटीई में फर्क होता है, इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। फुल टाइम में प्रोविडेंशियल फंड भी कटता है, पार्ट टाइम में प्रोविडेंशियल फंड नहीं कटता, लेकिन यहाँ पर 10% डिडक्शन होता है अगर आपके पास पैन कार्ड है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर 20% कट होता है, डिडक्शन होता है गवर्नमेंट के, बेसिकली टीडीएस कटना होता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप और वाईफाई कनेक्शन, स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी आर मैंडेटरी। इंटरनेट बिल्स विल बी रीइंबर्स्ड। आपके पास लैपटॉप, वाईफाई और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो वो जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है फर्स्ट डे में ही ये सब चीजें चेक करते हैं, अगर प्रॉब्लम होती है तो वहीं पर आपका पॉज कर देते हैं। वर्किंग आवर्स, ट्यूटर्स विल बी एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल फॉर अराउंड 4 to 4.5 आवर्स। दे कैन चूज बिटवीन द अवेलेबल स्लॉट, टेंटेटिव स्लॉट्स आर 3:30 to 8 PM और 6 PM to 10 PM। ये पार्ट टाइमर्स के लिए हैं। इन वीक डेज, वीकेंड में, मीन संडे में टाइम होना चाहिए 9 AM to 1 PM और 12:30 PM to 4:30 PM। वर्किंग डेज 6 days अ वीक, वीक ऑफ्स रहते हैं, 6 days रहेगा, लेकिन उसमें संडे में काम करना मैंडेटरी है, संडे में कोई छुट्टी नहीं है, वीक में आपको एक छुट्टी मिल सकती है।
फिर उसके बाद यहाँ पर ये पीडीएफ से, इसमें ये वाला पीडीएफ आपको नहीं भरना, ये ऑफिस पर्पस के लिए है। ये जो आपको लिंक मिला था ऊपर एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट्स है हेल्प के लिए कि आपको कैसे कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। फिर यहाँ पर सिंस मुझे 29 को ऑनबोर्डिंग का मैसेज आ गया था कि 18th को आपका है, लेकिन उसके बाद देर वॉज नो कॉल, देर वॉज नो मैसेज, कोई मेल नहीं था, तो आई वॉज क्वाइट टेंस कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो 8 फरवरी को मैंने एक मैसेज मेल किया था कि अभी तक मुझे कोई भी अपडेट नहीं मिला है, कुछ भी उसके रिगार्डिंग मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो उन्होंने कहा था कि 18 मतलब जो आपकी ऑनबोर्डिंग डेट है उससे 5 डेज प्रायर आपको मेल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, 2 डेज प्रायर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ये वो पीडीएफ है जो अभी अटैचमेंट में दी हुई थी, और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, एक एग्जांपल मैंने डाल दिए हैं। फिर उसके बाद देखिए 13 फेब, मीन 18 को मेरी ऑनबोर्डिंग डेट है, 13 फेब को मेरे पास मेल आता है फॉर पॉश असेसमेंट। बेसिकली इट इज फॉर दी अगर सेक्सुअल हेरेसमेंट क्विज था ये। इसमें कुछ आपको कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं, उसमें आपको चूज करना है परफेक्ट सिचुएशन की, वहां पर वो आपका हेल्प क्या करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए रिगार्डिंग दैट। फिर उसके बाद ये ऑफर लेटर था, और आपको ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना था। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको अपने सभी पेपर्स ये तैयार रखने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तैयार रखनी है जेपीजी फॉर्म में, मतलब बेसिकली उसको स्कैन करके रखिए, अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए। बायरूस का जो ऑफर लेटर आपको मिलेगा उसका भी पीडीएफ आपको तैयार रखना है। फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म भी एक मिलता है, उसको भी तैयार रखना है, उसको भर के तैयार रखना है पीडीएफ फॉर्म में। आधार कार्ड की कॉपी पीडीएफ फॉर्म में लगानी है। जैसे फोटो अच्छे से नहीं आ रही, तो डिजी लॉकर या फिर यूआईडीआई से, बेसिकली वो उनको 12 नंबर चाहिए, और आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड की कॉपी भी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, 10th की मार्कशीट भी चाहिए, फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट भी चाहिए, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट चाहिए, और जो आप सबसे बड़ी पढ़ाई अब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स में आप कर रहे हैं, तो इन केस यू वॉन्ट दैट, तो आप अपने मास्टर्स जो भी सेमेस्टर आप कर रहे हैं उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये था कि जूम मीटिंग है 14th को, ये उन्हीं के रिगार्डिंग था, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग ही था कि आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, किस किस फॉर्म में करने हैं, कैसे कैसे भरना है, कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी को। तो जस्ट आधे घंटे का एक काइंड ऑफ सेशन था, Q&A था, कि कोई प्रॉब्लम हो या जिसने नहीं भरा है अब तक वो भर दे, या कैसे कैसे सिग्नेचर करना है, आगे क्या क्या करना है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक जूम मीटिंग करी थी 14 को। तो फिर उसके बाद जब मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे मैम ने सभी कुछ, सारे जो पेपर्स थे उनका पूरा पीडीएफ बना के, डॉक्यूमेंट बना के भेजा, जिसमें हमको साइन करना था। डिजिटल सिग्नेचर होता है, मोबाइल से भी हो सकता है, लैपटॉप से भी हो सकता है, टैबलेट से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन अगर आपको साइन करना नहीं बन रहा है या फोन पे नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी होता है, आप अपने सिग्नेचर एज अ टेक्स्ट भी कर सकते हो। बेसिकली सेल्फ अटेस्ट करने के लिए हर एक डॉक्यूमेंट के नीचे एक डिजिटल साइन हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद वो इन्हीं का यही पूरा डॉक्यूमेंट आपको दूसरे उसमें साइंड मिलेगा, कि अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहें तो यू कैन। फिर उसके बाद हमारा 18 फरवरी को सुबह 8:30 बजे सेशन हुआ था, जूम मीटिंग हुई थी, वो अराउंड 10:30 चली थी, एंड देन उसके 10:30 चली थी। फिर उसके बाद 11 o'clock पे, यस 11:11, यहाँ पर मुझे एक और सेशन, उन्होंने बोला था कि 11 AM के अराउंड ही आपके पास कोई ना कोई जीमेल आ जाएगा, मतलब आप अटेंटिव रहना, मेल हम आपको सेंड कर देंगे। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ स्लीडो सेशन। बेसिकली जो भी हमको इंफॉर्मेशन हमारे मॉर्निंग सेशन, मतलब 8:30 AM जूम में जो भी हमको बताया गया था रिगार्डिंग द फीस स्लिप, पे स्लिप, आपको कैसे कैसे ऑपरेट करना है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म रहेगा वो कैसे ऑपरेट करना है। फिर जो हमारी 8:30 AM का लिंक आ चुका था, उस लिंक एक दिन पहले आ जाएगा आपके पास, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको 8:30 शार्प ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद 10 10 मिनट्स वो वेट करेंगे कि जो भी लेट है वो आ जाए, एंड देन उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। मैम सबसे पहले वो पूछेंगे कोई भी हॉलीडे
चाहिए कि नहीं, मतलब कोई भी हॉलीडे, तो उसमें 2 वीक्स प्रोग्राम, मतलब 2 वीक्स तक कोई भी हॉलीडे आपको नहीं मिलेगी। 2 वीक्स के बाद मे बी आप अपने एचआर से बात कर सकते हैं, उसके बाद वो हॉलीडे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल 2 डेज तक कोई भी आपको ऑफ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग द पे स्लिप ऑल्सो, रिगार्डिंग जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आप कैसे वर्क करेंगे, अपनी अटेंडेंस कैसे लगानी है, एंड मेनी थिंग्स बताए। उसी के रिगार्डिंग उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि अब ये मीटिंग एंड हो रही है, 11 o'clock के आसपास आपको एक और मेल आएगा, आपको अपने फोन पर अटेंटिव रहना है। उसके बाद ये मेल हमको रिसीव हुआ था, यू कैन सी 11:11 पर हमको ये जूम मीटिंग ज्वाइन करनी थी। अगेन देर वॉज अ वेटिंग फॉर 10 मिनट्स कि जो भी लोग हैं वो देख कर आ जाए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर पहले उन्होंने थोड़ा सा इंट्रैक्शन सबके बारे में जाना, एंड देन उसके बाद स्लीडो सेशन हुए। स्लीडो सेशन में उन्होंने स्लाइड्स प्रोवाइड कर रखी थी, काइंड ऑफ अ टेस्ट कि जो भी हमने सुबह समझा वो हम तक कन्वे हुआ कि नहीं, वो हम सही तरीके से समझे कि नहीं। टेस्ट है, 20 सेकेंड्स हर क्वेश्चन को दिए जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको वो कोई जज करेंगे। बस ये है कि जो आप तक वो कन्वे करना चाह रहे थे वो आप तक पहुंचा कि नहीं। उसके बाद अगले दिन के लिए दे विल से कि आपको अगले दिन सुबह ही एक मेल आ जाएगा, जिसमें आपको अपना मेल आईडी बनाना है, ऑपरेट करना है, पासवर्ड वगैरह सेटअप करने हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस खुद से लगा सकते हैं। लेकिन ऑनबोर्डिंग सेशन के दिन वाली, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन वाली जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली आपकी लग जाएगी थ्रू दी टीम। सो दिस वाज अबाउट इट। अब उसके बाद यहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, डेमो सेशंस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो गारंटीड मैं आपको सेंड करूंगी, गारंटीड आपको बताऊंगी। बस आप सपोर्ट करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन है काइंडली कमेंट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं पक्का से आंसर करूंगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए, ताकि क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, डे टू डे इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, तो ताकि आप अपडेटेड रह सके। और जस्ट कीप सपोर्टिंग, आई जस्ट हैव टू से दैट। हैव अ नाइस डे।